मसाला तड़का इडली। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो आज हमने बनाई है ये बिल्कुल झटपट बनने वाली मसाला तड़का इडली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको टिफिन बॉक्स में भी दिया है। आप इसे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, इसे ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 2 कप सूजी। तो ये जो 2 कप सूजी है इससे आपकी 24 यानी कि 24 इडलीज बनेंगी। तो 2 कप सूजी में हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। तो यहाँ पे हम 1/2 कप दही डाल दे रहे हैं। दही आप एकदम फ्रेश वाला भी ले सकते हैं या फिर हल्का खट्टा भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज में आपकी जो इडली है वो बहुत ही बढ़िया बनेंगी। बहुत ज्यादा खट्टा दही मत लीजिएगा वरना जो इडलियां हैं वो एकदम से ज्यादा खट्टी खट्टी सी लगेंगी। तो यहाँ पे हमने 2 कप सूजी में 1/2 कप दही डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1 कप पानी। तो पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आपको रीजन पता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें लम्स ना पड़े। एकदम से अगर आप ज्यादा सा पानी डाल देंगे तो जो बैटर है उसको मिक्स करने में भी दिक्कत आती है और उसमें लम्स पड़ने का भी डर होता है। तो यहाँ पे सूजी वाला जो बैटर होता है वो तो अक्सर सही ही बनता है, उसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। मगर अगर आप कोई और चीज बना रहे हैं और उसमें अगर लम्स पड़ जाए तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप उसको एक छलनी से मतलब पास कर लें, उसको छान लें। तो क्या होगा, जो लम्स होंगी, जो गुठलियाँ होंगी वो छलनी के ऊपर आ जाएंगी और जो आपका स्मूथ बैटर है वो नीचे आ जाएगा। और फिर आप उन गुठलियों को बहुत ही आराम से तोड़ सकते हैं, मैश कर सकते हैं और बैटर में मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा 1 कप पानी डाल दिया है मगर आप देख सकते हैं बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है अभी भी। तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी और डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम अपने बैटर को करीबन 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसको ढक करके साइड में रख देते हैं फूलने के लिए। और जब तक हमारा बैटर फूल करके तैयार हो रहा है इतनी देर में हम अपनी मसाला तड़का इडली का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। तो सबसे पहले हम काजुओं को हल्का सा भून लेंगे। वैसे काजू इसमें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है मगर जब हम इसको सर्व करते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। तो जरूरी नहीं कि आप इन इडलियों को केवल लंच बॉक्स या फिर अपने नॉर्मल ब्रेकफास्ट में ही सर्व करें, आप इन्हें अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काजू हैं उनका रंग हल्का सा चेंज हो गया, हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे कढ़ाई में से और अब हम इसी सेम कढ़ाई में डाल देंगे 1 टीस्पून मोटी राई। मोटी राई जब अच्छे से तड़क जाएगी तब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चने की दाल। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चने की दाल है जो हमारे घरों में मिलती है, ये भुनी हुई चने की दाल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चने की दाल है जिसे हमने धो करके ले लिया है। तो इसे हमने डाल दिया है तेल में और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून उड़द की दाल। तो अब हम इन दोनों ही दालों को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। इन दालों को हमने जलने नहीं देना है, बिल्कुल हल्का लाइट ब्राउन कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाए, बस समझ लीजिएगा आपकी जो दाल है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो इन्हें रोस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं मुश्किल से आधे से 1 मिनट में दाल रोस्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते को भी हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मसाला। तो मसाले में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सांबर मसाला। तो दोस्तों आपने तड़का इडली तो बहुत बार बनाई होगी और बहुत बार खाई भी होगी मगर आज हमने ये मसाला तड़का इडली बनाई है तो आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा। सांबर मसाले से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो सांबर मसाले को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे और फिर हम इस मटीरियल को, इस चौंक को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा मटेरियल ठंडा हो रहा है इतनी देर में हम अपना स्टीमर और इडली प्लेट्स तैयार कर लेंगे। तो इडली प्लेट्स को हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और इधर हम अपने बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो इतनी देर में हमारा जो बैटर है वो भी अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं ये काफी थिक हो गया है।
तो अब हम इस बैटर में डाल देंगे ये तड़का। तो एकदम गरम गरम तड़का बैटर में बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना जहां जहां पे तड़का टच होगा उतना एरिया जो है वो कुक हो जाएगा और वहां पे लंप से पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा तड़का ठंडा हो चुका है, तब हम इसको बैटर में डाल रहे हैं। और अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ले लेंगे, और क्योंकि हमारा बैटर काफी गाढ़ा हो चुका था तो इस तड़के वाले पानी को इस बैटर में डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको मिक्स करने के बाद अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। हमें इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल इडली बैटर वाली ही चाहिए, बिल्कुल सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे करीबन 1 टीस्पून नमक और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने 24 इडलियों का बैटर तैयार किया है, तो यहाँ पे मैंने 12 इडलियों का जो बैटर है, मतलब कि आधा बैटर मैंने अलग से एक कटोरी में निकाल लिया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा टी स्पून बेकिंग सोडा। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेकिंग सोडे को मीठा सोडा या फिर खाना सोडा भी कहते हैं। अगर आपके पास इनो है तो 12 इडलियों के लिए एक सैशे इनो का बिल्कुल परफेक्ट रहता है, और अगर आप बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं तो 12 इडलियों के लिए आधा टीस्पून बेकिंग सोडा चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने बेकिंग सोडे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम ये पहले से ग्रीज करी हुई इडली प्लेट्स को भी फिलअप कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, इडली जब भी बनाएं तो आप एक चम्मच को सेट कर लें, जिससे आपका जो इडली मोल्ड है वो एक बार में फिलअप हो जाता है। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल इक्वल बैटर जाएगा सभी मोल्ड्स में और आपकी जो इडली है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप की बन करके आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इनो पाउडर यूज कर रहे हैं अपनी इडली को फुलाने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो स्टीमर वाली जो तैयारियां होती हैं वो हमेशा पहले ही कर लें, जैसे कि ये प्लेट्स को ग्रीज करना और स्टीमर में पानी डाल करके उसको बॉईल होने के लिए रखना, क्योंकि इनो पाउडर जो होता है वो जैसे ही बैटर के कॉन्टैक्ट में आता है एकदम से गैसेस रिलीज कर देता है। और अगर उसको डालने के बाद आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी जो इडलियाँ हैं वो फूल करके नहीं आएंगी, वो पूरी तरीके से बैठ जाएंगी। तो अगर आप इस तरीके से सजाने वाली इडलियां बनाने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मीठे सोडे का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मीठे सोडे को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम होता है इडलियों को मैनेज करने के लिए। तो अब हम एक एक इडली मोल्ड के ऊपर इस तरीके से काजू लगा देंगे, जिनको हमने पहले से ही रोस्ट करके तैयार करा था। ये इडलियां देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं और खाने में तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती हैं। तो हमारी ये जो इडलियां हैं वो बन करके तैयार हो गई हैं, मतलब बन करके नहीं, ये प्लेट्स में लग करके तैयार हो गई है। तो अब हम इनको स्टैंड में लगा देंगे और ले चलते हैं इसको स्टीम करने के लिए। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टीमर पहले से ही लगा करके रखा है और इसमें पहले से ही स्टीम उठ रही है। तो दोस्तों, जब भी आप ये स्टीम करने वाली चीज बनाएं तो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी इडली रख रहे हैं, ढोकला रख रहे हैं, तो स्टीमर में पहले से ही स्टीम उठनी चाहिए, तभी आपकी जो इडली है वो बिल्कुल परफेक्टली बन करके तैयार होंगी। तो अब हम अपनी इडलियों को बिल्कुल घड़ी देख के पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। सूजी की इडलियों को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 6 से 7 मिनट ही लगते हैं, मगर अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इडली में टूथपिक डाल करके देख लीजिएगा, अगर वो कच्ची लगे आपको तो आप 2 से 3 मिनट के लिए और पका लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो इडलियाँ हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम होकर के तैयार हो चुकी हैं। तो ये बिल्कुल फुटबॉल जैसी जो इडलियाँ हमारी फूल करके आई हैं, इन्हें हम स्टीमर में से निकाल लेते हैं और अब हम फटाक से इनको प्लेट्स में से भी निकाल लेते हैं। तो इन लाजवाब सी इडलियों को आप नॉर्मल नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मगर आज हम इसको सर्व करने वाले हैं करी पत्ते की चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी है मेरी चैनल पे। मगर आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के एंड में मैंने उस वीडियो को भी एम्बेड किया है। तो लग रही है ना हमारी मसाला तड़का इडली एकदम से लाजवाब। तो इसे आप नाश्ते में सर्व करिए या फिर टिफिन बॉक्स में दीजिए या फिर एकदम शान से अपने मेहमानों को सर्व करिए।
होपफुली आपको मेरी ये बहुत ही लाजवाब सी मसाला तड़का इडली की रेसिपी पसंद आई होगी। अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब आ रही है बहुत ही देसी लाजवाब सी एकदम इनोवेटिव सी करी पत्ते की चटनी। करी पत्ते की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है एक बोल करी पत्ता, इसे मैंने धो के साफ कर लिया है। एक छोटी कटोरी मूंगफली दाना, ये एक तिहाई कप के बराबर है। 2 टेबलस्पून दही, और यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने छील लिया है। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्चें और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली दाने को भून लेंगे। तो इसे भूनने के लिए हमने किसी भी तरीके का तेल का इस्तेमाल नहीं करा है, इन्हें सूखा ही भूनना है। इन मूंगफली दानों को हाई फ्लेम पे 3 मिनट हो चुके हैं हमें भूनते हुए, और ये भून के बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे एक साफ किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अब हम इस किचन टॉवल की एक पोटली बना लेंगे और इस तरीके से इसको काउंटर पे ही रब करेंगे। इससे मूंगफली दानों के ऊपर के छिलके बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 70% मूंगफली के दानों के छिलके बहुत ही आसानी से अपने आप निकल आ चुके हैं। छिलके उतर के नीचे किचन टॉवल पे आ जाते हैं, तो हम इस तरीके से मूंगफली दानों को ऊपर ऊपर से उठा के एक अलग प्लेट में रख लेंगे। मूंगफली दाने के छिलकों को फेंके नहीं, इन्हें गमले में डाल दें, ये काफी अच्छी खाद होते हैं। अब अपनी मिक्सी का ग्राइंडिंग जार लीजिए और इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए। ब्लेड के अच्छे मूवमेंट के लिए लिक्विड चीजें या पानी सबसे पहले डालना चाहिए। अब इसमें हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का टुकड़ा भी डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। अब हम इसमें मूंगफली दाना भी डाल देंगे। कुछ एक आध मूंगफली दाना के ऊपर अगर छिलका रह भी जाए तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारी चटनी के टेस्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इन सभी चीजों को 10 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। 10 सेकंड बाद चम्मच से सारे मटेरियल को इस तरीके से अलट पलट कर दें ताकि ये सभी चीजें अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। अब हम इसमें दही डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे, और अब हम इसको फिर से 10 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। और 10 सेकंड बाद आप देख सकते हैं हमारी करी पत्ते की चटनी बनके तैयार है। अब आप इसमें पानी या दही डाल के इसकी कंसिस्टेंसी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सर्व करेगा इसको अपने पसंद के स्नैक्स या डिनर के साथ। एंजॉय। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।